Hey, what's up guys, welcome back to your channel। और ये एक 5 rule video है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट एक काफ़ी special चीज़ है इस video में। This is the collab with Goal AVI और इनने मेरे को अप्रोच किया कि भाई कोलैबोरेशन करते हैं और अपना आइडिया प्रेजेंट किया, एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया। तो मैंने कहा लेट्स गो हेड विद दैट। तो अभी बस चलते हैं और पूरा इनको स्टेज दे देंगे, ये पूरा हैंडल करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं, इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाके उनको भी चेकआउट जरूर करना। और उनके चैनल पर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए और एनिमे रिव्यूज, एनिमे से रिलेटेड कंटेंट्स देखते रहने के लिए। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए वीडियो पर चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग हो, पढ़ता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ गुलवी, मैं अपने चैनल पर ऐसी 5 रूल्स की वीडियो और एनिमे रिव्यूज अपलोड करता रहता हूँ, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बेब्लेड एक ऐसा एनिमे जो हमारे बचपन का सबसे फेवरेट एनिमेज में से एक है, और इसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है वो है मेटल सीरीज। और इस सीरीज में से अगर मैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर का नाम लूँ तो वो रायुगा ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि टॉप 5 रूल्स ऑफ रायुगा। रूल नंबर 1, द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर पूरी बेबलेट सीरीज में आपसे पूछा जाए कि द मोस्ट पावरफुल बेबलेटर कौन है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब रायुगा ही होगा। और हो भी क्यों ना, ही इज द ड्रैगन एम्परर हिमसेल्फ। एनिमे में हमें काफी बार दिखाया गया है कि रायुगा कैसे अपनी ओवरवेलमिंग पावर से अपने ओपोनेंट्स को हराता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये बस एक शो ऑफ होता है, जस्ट टू शो द डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन हिम एंड हिज ओपोनेंट। उसे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 1 ब्लेडर कौन है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चाहता है। लेकिन जो एक चीज जिससे उसे फर्क पड़ता है वो है इसका द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर का टाइटल। और ऐसा नहीं है कि ये टाइटल उसे दिया गया है, उसने ये टाइटल अर्न किया है। वॉट ही ट्रूली डिजायर इज टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर नो मैटर द कॉस्ट, भले ये कॉस्ट उसकी लाइफ ही क्यों ना हो। रूल नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पावर। एनिमे में हमें दिखाया गया है कि रायुगा पावर को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करने की कोशिश करता है, जबकि एनिमे का प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंथ सीख करता है। टू मोस्ट ऑफ द पीपल्स दोनों ही टर्म्स पावर और स्ट्रेंथ सेम ही हैं, बट ऐसा नहीं है। और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझाता है कैसलवेनिया सीजन 4 का हेक्टर का एक डायलॉग, जहाँ हेक्टर बोलता भी है कि स्ट्रेंथ इज समथिंग टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस व्हाइल द पावर इज समथिंग टू रूल द वर्ल्ड। जिंगा स्ट्रेंथ सीख करते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी बार स्टेबल भी फील करता है और इम्प्रूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बार हार का भी सामना करना पड़ता है। वहीं रायुगा को जिंगा की तरह हार के रूप में एक रिमाइंडर नहीं चाहिए होता कि अब तुम्हें इम्प्रूव करना है। और ये बात रायुगा भी जानता है कि अगर उसे अपने द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर होने की पोजीशन को सेव करके रखना है तो उसे रोज़ इम्प्रूव करना होगा, और इस बात को जिंगा ने भी एडमायर किया है। रूल नंबर 3, प्राइड इन हिमसेल्फ एंड इज बे। रायुगा के लिए उसकी प्राइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह मोस्टली उसका पावरफुल होना ही है, लेकिन ये पावर भी कोई गिफ्टेड पावर नहीं है, उसने अपने हार्ड वर्क से ये पावर को अर्न किया है। एल ड्रैगो ने ऐसी रायुगा को अपना ओनर एक्सेप्ट नहीं कर लिया था। एल ड्रैगो मिलने से पहले भी रायुगा डार्क नेबुला का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर था, जो कि दिखाता भी है दैट ही इज टोटली फिट फॉर द टाइटल ऑफ ड्रैगन एम्परर। और यही एक वजह भी है कि रायुगा को बोथ साइड रोटेटिंग बे से इतनी नफरत है, क्योंकि रायुगा का बे एल ड्रैगो एक लौता लेफ्ट रोटेटिंग बे है, और ये उसकी स्पेशलिटी है जिसे प्रॉपरली कंट्रोल करने में रायुगा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। वहीं बोथ साइड रोटेटिंग बेस सिर्फ एक रेप्लिका है एल ड्रैगो की, उन्हें बनाया गया था जस्ट टू रेप्लिकेट एल ड्रैगो, जिसकी वजह से रायुगा काफ़ी बार ऑफेंडेड भी फील करता है। रूल नंबर 4, थिंग्स दैट ट्रूली मैटर्स। पूरी मेटल सीरीज में बेस के बॉन्ड को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन अगर कोई है जिसने अपने बे बॉन्ड को फुलेस्ट लेवल पर अचीव किया है तो वो रायुगा है।
जिगा ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अपने बे बॉन्ड को फॉर्म किया है, लेकिन वो रायू का जितना तो नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर जिगरेट ने भी ये बात एक्सेप्ट करी थी कि रायुगा एंड अल ड्रैगो आर नो लॉन्गर टू इंडिविजुअल्स बट अ सिंगल एंटिटी। रायुगा के लिए फ्रेंड्स मैटर नहीं करते और ना ही उसके कॉमरेड्स और ना ही सही गलत की बुलशिट। उसके लिए जो चीज़ मैटर करती है वह अल ड्रैगो और उसके बीच का बे बॉन्ड, जिसे उसने अपनी हार्ड ट्रेनिंग और अपने स्ट्रगल के थ्रू फॉर्म किया है। रूल नंबर 5, और ये रूल मैं आप पे खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ता हूँ। ये रूल आप मुझे बताएं कि आखिर आपको रायुगा से क्या सीखने को मिलता है। मेरे लिए 5th रूल है कि रिस्पेक्ट ट्रूप लीडर्स जैसे केंटा और जिंगा। मुझे आप अपना 5th रूल बताना ना भूलें। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं उधर ऐसी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा। सो थैंक्स मैन फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर द क्लैप। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम ऐसे क्लैप्स और लाते रहेंगे। तो अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड एज वी सेड भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो और जाके इनका चैनल भी चेकआउट ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग गाइज एंड एज ऑलवेज पीस आउट। Inside our own fantasies.